हेलो एवरीवन, आज के इस लर्निंग सेशन में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं लोअर बिट्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन एबाकस टूल, और साथ ही साथ हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग फास्ट मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एबाकस टूल। एबाकस हम लोग सीखते क्यों हैं? ताकि हमारा मेंटल कैलकुलेशन फास्ट हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वर्चुअल एबाकस के थ्रू हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपने माइंड में एबाकस को सेट करके मेंटली मैथ्स के कैलकुलेशन करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि ये जो है, ये है आपका एबाकस का टूल बार। हमें इस एबाकस के टूल बार को अपने माइंड में सेट करना है। तो जैसे कि हम लोग एबाकस टूल के थ्रू सारे मैथ्स के कैलकुलेशन करते हैं, उसी तरह से मेंटली भी हम लोग एबाकस के थ्रू ही सारे मैथ्स के कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस एबाकस जो टूल है, एबाकस टूल को अपने माइंड में सेट करना होगा। तो माइंड में सेट करने के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि हमारा जो आंसर होता है वो कहाँ आता है। तो हमारा आंसर जो होता है वो ये रिजल्ट बार में आता है। तो इस रिज़ल्ट बार में जितने भी बिट्स टच करेंगे, जो भी बिट्स टच करेंगे वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, तो हमारे माइंड में हमें जो सेट करना है वो यही सेट करना है कि हमारा जो आंसर है उसे याद रखना है और उस आंसर के साथ आगे का कैलकुलेशन करना है। जैसे कि मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखती हूँ और उस क्वेश्चन के थ्रू, इस वर्चुअल एबाकस के थ्रू आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज़ मान लीजिए अगर हम लोग को लोअर बिट्स को मेंटल कैलकुलेशन करना है, लोअर बिट्स का जो क्वेश्चंस है उसको मेंटली करना है। सपोज़ मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन है 2+1, तो 2 करने के लिए लोअर बिट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, थंब का यूज़ करते हैं। तो 2+1-2+2, तो यहाँ पर देखिए आंसर कितने आ गए, 3। ठीक है, ये तो अगर हम लोग को डायरेक्ट लिखना रहे तो एबाकस टूल के हिसाब से, एबाकस टूल में करने के बाद हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते 3। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम लोग को मेंटली करना रहे तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जब जैसे ही क्वेश्चन फ्लैश होता है या फिर सामने वाला हमें क्वेश्चन बोलता है तो उसके लिए हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग फिंगर का यूज़ करते हैं। फिंगर, थंब ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम लोग अपना इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, इस जो हमारा बीट्स का जो शेप यहाँ दिख रहा है, जो पिक्चर हम लोग को विजुअलाइज करना है, ये जो बीट्स आपको दिख रहा है ऊपर में 1 बीट और नीचे में 4 बीट्स, इसे अपने माइंड में आग बंद करके 5 मिनट्स तक विजुअलाइज करेंगे। तो जब बच्चे लोग बहुत बार क्या होता है एबाकस टूल में इतनी बार कर लेते हैं कि उसका विजुअलाइजेशन ऑटोमेटिक उसके माइंड में सेट हो जाता है। तो जब हम लोग अगर मेंटल कैलकुलेशन करेंगे उस वक्त कैसे करेंगे, तो मेंटल कैलकुलेशन करने के लिए हम लोग टू प्लस करना है, तो थंब से हम लोग क्या करेंगे, 2+ करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर जैसे अगर मान लो हम लोग माइंड में एबाकस सेट कर दिए हैं और थंब से हम लोग 2+ करेंगे तो रिजल्ट बार में कितना आ गया, 2। तो हमारे माइंड में क्या आंसर सेट होना चाहिए, 2। उसके बाद जैसे ही कोई बोलता है 1+, तो जैसे ही हम थंब से 1+ करते हैं तो हमें 1+ फिंगर से करना है लेकिन माइंड में हमें आंसर याद रखना है 3, मीन्स 2+1, 3। नेक्स्ट अगर कोई बोलते हैं 2, तो 2 करने के लिए हम लोग अपने इंडेक्स फिंगर्स का यूज़ करके मेंटल वे में, मतलब माइंड में ही लेस करेंगे ऐसे करके, तो 2। अब हमें आंसर माइंड में सेट करना है कि मेरे पास कितना है, तो मेरे पास 1 है। उसी तरह से फिर 2+ बोलेगा तो 2+ करेंगे और हमारे माइंड में आंसर आ जाएगा 3। तो ये एक तरीका होता है जिससे हम लोग माइंड में
कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज मान लीजिए एक क्वेश्चन है 2 + 2, तो हम लोग मेंटली इस एबेकस को अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हमारे माइंड में ये सेट रहेगा, ये विजुलाइज करेंगे हम लोग अपने माइंड में, हम लोग अपने माइंड में विजुलाइज करेंगे कि हमारा एबेकस टूल कैसा है, जो ऊपर में 1 बिट और नीचे में 4 बिट और बीच में अभी रिजल्ट बार 0 है। अब जैसे जैसे वो रिजल्ट बार में बिट्स टच करेंगे वो आंसर हम लोग को माइंड में याद रखना है। तो जैसे कि 2 + 2, तो 2 + 2 हमारे माइंड में आंसर आ जाना चाहिए 4। -1 आंसर आ जाएगा 3। फिर 3 में फिर +1 बोलेगा, आंसर होगा 4। -3 आंसर होगा 1। +1 आंसर होगा 2। +2 आंसर होगा 4। और -2 आंसर होगा 2। तो इस तरह से हम लोग इसे बोलेंगे कि हमारा आंसर 2 है। इसी को हम लोग को अपने माइंड में कैलकुलेट करना है और फिंगर से हम लोग अपना कैलकुलेशन करेंगे और माइंड में आंसर को याद रखेंगे। तो चलिए इसी क्वेश्चन को एक वीडियो में भी देख लेते हैं कि बच्चे इसे कैसे करते हैं। 2 + 1 - 2 + 2 = 3 2 + 2 - 1 + 1 - 3 + 1 + 2 - 2 1 + 1 + 1 + 1 - 4 + 3